सर काफी लंबे समय से लोगों की मांगे सरकार से चली आ रही थी यूनिवर्सिटी को लेकर, लेकिन आज सोमका गांव में जो महापंचायत जो की गई है बुराइयों को रोकने के लिए, यहां आपने ऐलान किया है कि 1 लाख रुपए यूनिवर्सिटी के लिए मैं देता हूं, तो क्या सोचा था आपने? मैं इसमें ये सोचा है कि सबसे बड़ी चीज है कि ये हमारा एक तालीम का कोर्स होगा और उसका एक यूनिवर्सिटी एक हिस्सा होगी, तो ये तालीम का कोर्स होगा। जैसे कि हमारे मौलवी राशिद साहब कह रहे थे कि हमारे जो प्राइमरी स्कूल हैं वो भी मस्जिद के साथ चलें, तो वो भी इसी पैसे में से आएंगे, तो और उसके अलावा जो पैसा बचेगा हमारी यूनिवर्सिटी भी होगा। और एक बात और दिमाग में आई है जो आज जो आई है उसकी आई है कि जो पशुपालन का जो कॉलेज है वेटनरी कॉलेज है वो भी यहाँ खोला जाएगा, सरकार से हम पूरी तरह मांग करेंगे। और जो धुरहरा का इंडस्ट्री एरिया है अपना उसको भी हम डेवलप करेंगे। और यूनिवर्सिटी की जो मांग आई है मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही वाजिब, बहुत ही शानदार, बहुत ही हकूक मांग आई है और ये हमारे समझ में पूरा होना चाहिए। और इसकी हमारे जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी हमारे वासिंदे मेज के मेवात के, उनको एक पूरा का पूरा आंदोलन चलाना चाहिए पैसे इकट्ठा करने का, और फिर हम सरकार को दें और चाहे हम अपने आप ही चलाएंगे इस यूनिवर्सिटी को, इस तरह का हम कदम उठाएं। ये तो और बात चली थी सर इसमें कि बूचर खानों की लगातार संख्या मेवात में बढ़ती जा रही है, इसको लेकर कैसे इस पर लगाम लगेगा? इसमें तो लगाम लगेगी, ये तो लगाम प्रशासन को लगानी पड़ेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट गई थी वो ये गई थी कि बॉम्बे से लेकर के जो दिल्ली का हाईवे जा रहा है, इसमें हमने प्रस्ताव दे दिया है गडकरी साहब को कि यहाँ पर हमारे सब्जी के पॉइंट हों, एयर कंडीशन, हमारे दूध के पॉइंट हों, हम सब्जी जमा करेंगे, दूध के पॉइंट होंगे, वहाँ से लिफ्ट होकर के हमारे किसानों की सब्जी, वहाँ का दूध और कोई चीज़ है वो लिफ्ट होकर के दूसरी जगह जाएंगी और हमारे वाजिब दाम हमारे किसानों को मिलेंगे। पुलिस द्वारा जो लगातार सर जो गोली मारी जा रही है बच्चों पे, उसको लेकर भी काफी बात हुई और इस बात में कुछ सच्चाई भी है कि एक जो आदमी है जो मुजरिम है उसको पकड़ने के लिए 5 जो निर्दोष आदमी है उनको पकड़ा जाता है। और इसकी मैंने यही कहा है कि अभी हम कोई 5-7 दिन के अंदर अंदर आईजी से 1 घंटे की मीटिंग करेंगे, भाई साफ साफ बता दीजिए कि आप प्रशासन पर किस तरह से लगाम लगाना चाहते हैं जिससे कि जो है कि जो पुलिस है वो अपना काम ये करे। और दूसरा काम हम ये सोच रहे हैं जो मेरे मन में जो कि मन से नहीं हुई है कि हमारे गांव में जो थाने हैं वहां पर एक शांति पंचायत बनाई जाए और उसमें हमारे जो मौजूदा आदमी है वो भी हों और वो कहें कि ये आदमी पकड़ा जाएगा और पुलिस कहे कि ये पकड़ा जाएगा, दोनों की सहमति से पकड़ा जाए और जो दोषी नहीं है उनको छोड़ दिया जाए। ये भी हम एक नया प्रस्ताव लेके आएंगे जो अभी इस प्रस्ताव पास नहीं हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ ये प्रस्ताव की जरूरी है। पुलिस और जो हमारे लोग हैं उनकी भागीदारी होनी चाहिए। आज के जो महापंचायत सर आयोजित की गई है जिसमें लोग उपस्थित हुए हैं हजारों की तादाद में, तो क्या लगता है लोग इससे कुछ बदलाव है? बिल्कुल बदलाव आता है, पंचायतों से बदलाव आता है, बातचीत से बदलाव आता है। ये तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं आज तक हिस्ट्री में नहीं है कि पंचायतें हों और बदलाव नहीं आए। लेकिन बस इतनी बात है कि इन पंचायतों के माध्यम से जो भी पंचायत में आज फैसले लिए गए हैं उन फैसलों पे अमल करने के लिए कमेटी बनाई जाए। खासकर आज पंचायत में कांग्रेस के लीडर ज्यादा देखे गए सर, इसके बारे में क्या कहोगे? बाकी नहीं, बुलाया सबको है, इसमें बुलाया सबको है, जो आए वो ठीक है, जिनका स्वागत है, और जो नहीं आए हैं उनको नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आम आदमी की बात है, इसमें कोई कांग्रेस और बीजेपी नहीं है, ये तो एक इंसानी जो चीज़ है उसके लिए हमने बुलाई थी पंचायत और समाज सुधार की बुलाई है, और जिसमें किसी को गुरेज भी नहीं होना चाहिए, हिंदू को भी नहीं होना चाहिए, मुसलमान को भी नहीं होना चाहिए, कांग्रेस को भी नहीं होना चाहिए, बीजेपी को भी नहीं होना चाहिए, उसको क्यों गुरेज हो? एक अच्छी चीज़ है।